निहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्राप्त से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत की विधि विधान विस्तार से मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। नहुष ऋषि ने कहा, हे देवकी, बहुत समय पहले अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी तथा उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरजू नदी में स्नान करने के निमित्त गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनी, यह तुम किस देवता और किस कारण से पूजा व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम सात्य सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमें शिव पार्वती का पूजन चंदन आश्रित आदि से परिपोषित विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन में मन संकल्प किया और घर वापस लौट आए। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियमित पूर्वक करती थी, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वह दोनों मर गए। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ ना भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दिया। तब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि झील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जित थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सब गुण संपन्न चंद्र के समान और धर्म भूमि कर्म निष्ठ सुशील स्वाभिमान वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ में कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगे। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रति पहले जन्म में थी अब भी बनी रही। रानी जब व्रत अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने एक गूंगे वा बहरे तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल होकर रहने लगी। देवयुग में भूषण देवी ब्राह्मण रानी के यहाँ अपने सब पुत्र को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वंश, कर्म और प्रबंध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मशित भी थी कि इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ रहा था। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसने मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का